बप्पा तो है ही ऐसे जो सबका मन मोह लेते हैं। हमारी मोनिका भी कोई अलग नहीं है। जितने जोर शोर से वो लेकर आए बप्पा को, उतनी श्रद्धा से उनकी सेवा भी कर रही है। आप भी तो जरा देखिए। इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हम लोगों ने घंटियाँ टांगी है, कलीरें टांगी है, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मन्नतों का मंदिर है। तो लास्ट टाइम जो था वो बारात थीम था, इस टाइम मंदिर है जिसमें आप चूड़ियाँ, कलीरें, घंटियाँ ये सब देख रहे हैं। तो ऐसा ही फील आता है कि ऐसा बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पर आपने मन्नतों के धागे बांधे हैं, और वो सारे मन्नतों के धागे ये हैं। मुझे मेरा ऐसा ही रहता है कि जब भी मैं मूर्ति देखने जाती हूँ तो मेरा पहला होता है जो भी मूर्ति मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वही मेरी मूर्ति है। आपको वो वाइब्स मिलती है और यू नो आपको वो वैसा पॉजिटिव साइन मिलता है। तो मुझे पॉजिटिव साइन मिला बप्पा की ये गोल बिंदी जो आप देख रहे हो, इसमें मुझे पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि यार दिस इज़ माई गणपति, एंड दिस टाइम माई गणपति इज़ वेरी शांत। या मेरे पास ऐसा कुछ ऐसा आता नहीं, मुझे सिर्फ चीज़ें समझ आती हैं कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, और उस यूज़ जैसे मेरा इस बार था कि मौली और चूड़ियाँ। सो मौली और चूड़ियों का क्या कनेक्शन है? सो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे एडवाइस किया कि मौली अगर चूड़ी का करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यस, मैं दिमाग मेरा अकेले का नहीं था, बहुत सारे लोगों का दिमाग इसमें इन्वॉल्व है। सो यस, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको ये एक मंदिर सूझा तो हमने इसको किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लास्ट ईयर जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने किया था। सो इस टाइम भी वही हुआ, वही लोग आए, हम लोगों ने धीरे धीरे सब डेकोरेशन किया। कितना टाइम लगा था? हम सुबह 2 बजे से, दोपहर को 2 बजे से लेके रात को 3 बजे तक पूरा 12 घंटे हम लोगों ने मेहनत की है। ऑफकोर्स हर बार तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछती हो और हर बार मेरा एक आंसर होता है कि आई एम नॉट अ गुड कुक। तो मैं कोई स्ट्रेस, कोई डाउट रखती ही नहीं हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है बप्पा के लिए। सो माय मदर, शी मेक्स ऑल भोग एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट डे वी हैड पूरी, छोले, खीर, एवरीथिंग। और कल तो हमने बप्पा को बहुत लाइट खाना खिलाया जो हम रोज़ खुद खाते हैं, दही, रोटी, चावल और दाल सब्ज़ी ऐसे। आज देखते हैं मम्मी ने कुछ क्या बनाया, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मोदक खा खा के इंसान बहुत पक जाता है यार। सो मोदक है, आई नो बप्पा का वो फेवरेट है, यू नो फेवरेट प्रसाद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी चीज़ें प्रसाद में इंक्लूड करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं। तो मुझे ऐसा, मैं बप्पा के लिए चॉकलेट्स रखती हूँ, 5-star रखती हूँ कि छोटे बच्चे भी अगर दर्शन करने आए तो मैं उनको अच्छे से दे सकूँ और वो खाएं, वो वेस्ट नहीं करें। ज़्यादा लड्डू खाने से, मोदक खाने से सबको लगता है, आजकल तो इतने सारे लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो तो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं आप मोदक नहीं, फल दे दीजिए। तो उनके लिए मैं बोलती हूँ अच्छा आप रखो, व्हेन एवर यू फील लिटिल डिजी आप चॉकलेट खा लेना। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न आई कीप चॉकलेट्स एट माय गणपति प्लेस। टू ऑल माय फैंस, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा आपके घर पे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दें। आपके जो भी काम है वो विघ्न हरता है, वो सारे आपके विघ्न को हर लें और आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। थैंक यू फॉर लविंग मी एंड थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी ऑल द टाइम। दिस इज़ विश मोनिका खन्ना विशिंग यू एवरीबडी हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू। आपका प्रेम बप्पा पर हमें बखूबी दिखता है मोनिका। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम, मुंबई। हाय, दिस इज ऋषिका मेहानी, यू वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी।